चाहे इस पूरे आंदोलन के बीच में पहलवानों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही हो, उनकी आवाज ठीक ढंग से न पहुंचने दी जा रही हो और आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश हो रही हो, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि पहलवान क्या कह रहे हैं, हम आपको पहलवानों का पक्ष ही बताएंगे। देखिए, बजरंग पुनिया ये कह रहे हैं कि जब तक हमें न्याय में नहीं मिल जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे। बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया है कि हम कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है जहां से राजनीति हो। हम ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आए हैं, जितना जल्दी हो सके WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, ये बजरंग पुनिया ने कहा है। क्या कहा है बजरंग पुनिया ने, आपको वो सुनाएंगे, पहलवानों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है और हम अपनी न्याय की लड़ाई में बैठे हैं और हम जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसमें हम राजनीति तो कोई है ही नहीं, कौन बोल रहा है कि हाईजैक कर रहा है, वो लोग आ जाए जो बोल रहे हैं वो हमें न्याय दिला दिए, हम उठ के चले जाएंगे। हम उनसे अपने लोगों से बात करें जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, हम उनसे बात करें, हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए। हमारे जो अध्यक्ष के, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, उनके साथ लड़ाई है, जो उन्होंने एलिगेशन लगे उनके ऊपर अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और रेसलिंग फेडरेशन जो उनके लोग बैठे उनको अच्छे लोगों को रेसलिंग फेडरेशन दी जाए जो देश के खिलाड़ियों का भला हो सके।